आईफोन में यूट्यूब बैनर कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है अपने आईफोन से आपका जो यूट्यूब चैनल है उसका बैनर यानी कि चैनल आर्ट बनाना चाहते हो तो कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये बैनर या फिर चैनल आर्ट होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको जो है दोस्तों यूट्यूब चैनल है और आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको अगर कोई विजिट करता है तो यहाँ पर आपका जो है चैनल का नाम और लोगो दिखाई देता है, और चैनल का नाम और लोगो लोगों के पीछे में आपका जो है आपके यूट्यूब चैनल का जो बैनर है वो दिखाई देता है, यानी कि एक बैकग्राउंड का फोटो है वो दिखाई देता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं चैनल आर्ट। ये देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें जो है कोई भी बैनर या फिर चैनल आर्ट नहीं लगा है, ये आप देख सकते हो बैकग्राउंड वाइट में है, ठीक है ना। अगर मैं किसी दूसरे पर्सन का आपको दिखा दूँ चैनल आर्ट तो इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसके चैनल पर विजिट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ चैनल आर्ट, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये चैनल आर्ट है, इसी को बोलते हैं चैनल आर्ट, ठीक है। इसी को हम बनाना चाहते हैं अपने आईफोन पे, तो कैसे बनाते हैं चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको जो है वेबसाइट पर चले जाना है या फिर आपको जो है एक ऐप डाउनलोड करना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है ऐप के थ्रू बताता हूँ कैसे आप जो है अपने आईफोन में चैनल आर्ट यानी बैनर बना सकते हो करके, ठीक है। आपको अपने YouTube पे ऐप स्टोर पर आ जाना है और यहाँ से एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसपे हम जो है चैनल आर्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उस ऐप का नाम है दोस्तों कनावा ऐप, यहाँ पे हम जो है सर्च करेंगे। चलिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे हम लिख देंगे कनावा, स्पेलिंग है CANVA, ठीक है, इस तरीके से, और सर्च मार देंगे। और यहाँ पर ये वाला ऐप रहेगा, आपको ध्यान से देख लेना है, और इसका पूरा नाम कनवा डिज़ाइन फोटो एंड वीडियोस करके है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस ऐप को ये देखिए, यहाँ पर मैं जो क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ, और जैसे ही हम इस ऐप को डाउनलोड करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आप जो है इस ऐप में यूट्यूब चैनल बैनर कैसे बना सकते हो, और साथ में आप इस ऐप से दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल वगैरह बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और लोगो वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हो आप इस ऐप से। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे फर्स्ट टाइम आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो आपको परमिशन मांगेगा तो अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इन करने के लिए बोला जाएगा, तो आप इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन से साइन इन कर लेना इस ऐप पे। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, एप्पल आईडी से यहाँ पर मैं साइन इन कर देता हूँ और मेरा जो फेस है उसको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मेरा फेस है, उसको दिखा के मैंने वेरीफाई कर दिया है अपना एप्पल आईडी है उसको, और यहाँ पे ये जो है जो ऐप है वो साइन इन हो चुका है यानी कि लॉगिन हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपने यूट्यूब चैनल का चैनल आर्ट, तो उसके लिए हम यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी तरीके का जो टेम्पलेट है वो दिखाई देगा, जैसे कि आप जो है इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से देख लीजिए कहाँ पे लिखा है यूट्यूब चैनल बैनर या फिर यूट्यूब चैनल आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोगोस वगैरह है और ये यूट्यूब थंबनेल्स वगैरह है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, रिज्यूम वगैरह भी दिख जाएगा अगर रिज्यूम बनाना चाहते हो तो, और यहाँ पे आपको बहुत सारा दिया है, देखते हैं कहाँ पे है। ये देखिए यूट्यूब बैनर आ चुका है, ये देखिए अलग अलग तरीके का यूट्यूब बैनर है, इसको आप जो है एडिटिंग करके, आप जो है थोड़ा थोड़ा एडिटिंग करके आप एक अपना खुद का यूनिक जो है चैनल आर्ट या फिर यूट्यूब बैनर बना सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इसको आप चेंजेस करके अपना जो है बना सकते हो, और यहाँ पे अगर मैं बैक चले जाऊँ, यहाँ पे मैं बैक चले जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कितना यह प्रकार का यूट्यूब बैनर है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे यूट्यूब बैनर जो लिखा है उसी के बगल में सी आल पे क्लिक कर देंगे। अब सी आल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी तरीके का यहाँ पे चैनल आर्ट है दोस्तों। इनमें से बहुत सारा जो चैनल आर्ट है वो जो है प्रीमियम वाला रहता है, यानी कि अच्छा क्वालिटी का रहता है, उसके लिए आपको यहाँ पे पैसे पे करने होते हैं। और अगर आपको जो है यहाँ पे कम प्राइस या फिर मुफ्त वाला जो डाउट करना है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग करना होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो प्राइस वगैरह रहेगा उसको यहाँ पे आपको जो है क्या बोलते हैं आपको फ्री वाला कर देना है सेलेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर मिलता है, ओके। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख भी जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी तरीके का जो थंबनेल है मतलब YouTube चैनल बैनर है उस पर देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा पैड करके, यानी पैसा पे करोगे तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कस्टमाइज करके, और यहाँ पे भी आपको इस तरीके से पैड करके लिखा हुआ है, लेकिन इस पर नहीं लिखा है, इस पर नहीं लिखा है, और इस पर भी नहीं लिखा है, और इस पर भी नहीं लिखा है। तो चलिए इसी को हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं और चेंजेस कर लेते हैं हम थोड़ा,
ये देखिए नाम यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है नाम को चेंज कर लो, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना YouTube चैनल का नाम लिख देता हूँ। इस तरीके से आप अपना जो YouTube चैनल है उसका नाम इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से पूरे चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस करने हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो लोगो है उसको हम इस तरीके से क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम जो है इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा नीचे में, एक है डिलीट इमेज, एक है डिलीट फ्रेम। तो यहाँ पे हम डिलीट इमेज करेंगे, ये जो इमेज है उसको हम डिलीट करेंगे और इसका जो फ्रेम है उसको हम डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेम के अंदर हमको अपना खुद का जो फोटो है वो लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके जो यहाँ पर है उस पर क्लिक करके हम जो है फ़ोटो को ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काफ़ी तरीके का कॉपी हो गया है गलती से मेरे से, मेरे को यहाँ पे फ़ोटो लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप फ़ोटो लगाओ करके, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना रहेगा। तब आप यहाँ पे क्या करिएगा, पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, चलिए हम एक बार जो है ना अपने आईफोन में एक आर्ट और जो लोगो है उसको देख लेते हैं। फ़ोटोज़ वगैरह होगा उसी को हम लोगों के रूप में लगाएँगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं इसी को मैं लोगों में लगाना चाहता हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इसको हम इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके हम इस तरीके से यहाँ पे आके इस पे जाके पेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। आ गया दोस्तों, आ गया दोस्तों, आ गया, आ गया। ऐसे ही लाना है दोस्तों और उसके बाद इस तरीके से आपको जमा देना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है जम जाएगा, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद इस तरीके से आपको जो है डाउन कर लेना है। और यहाँ पे इस तरीके से जब डाउन हो जाए उसके बाद आप भी और भी चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि ये सब, तो इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको मिलेगा नीचे में टूल एडिट करने के लिए, टूल पे क्लिक कर दे और यहाँ से आप इस तरीके से कॉपी को जो लिखा हुआ है उसको हटा दे और इस तरीके से आपको जो भी लिखना रहेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको लिखना रहेगा वो सब आप लिख सकते हो। और यहाँ पे उसके बाद जब ये कंप्लीट बन जाए आपका, उसके बाद यहाँ से आप शेयर पे क्लिक करके इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जो है यहाँ पर टेम्पररी अपना यूट्यूब चैनल का बैनर बनाया हूँ। आप अच्छे से कस्टमाइज़ करें, अच्छे से डिटेल में लिखें जो जो भी है, और उसके बाद ही आप यहाँ पर जो आपका यूट्यूब चैनल का बैनर उसको डाउनलोड करें, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो चुका है, अब इसको हम सेव करेंगे, सेव इमेज कर देंगे। और उसके बाद ये जो बैनर है वो जो है यहाँ पे हमारे आईफोन के गैलरी पे आ जाएगा डाउनलोड होने के बाद। ये देखिए इस तरीके से अब इस बैनर को हम अपने यूट्यूब चैनल पे लगाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूट्यूब का जो ऐप है उसको ओपन करेंगे और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो लॉगिन है पहले से ही, इस पर क्लिक कर देंगे, यूअर चैनल पर चले जाएँगे। और उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, इस पर पेंसिल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए लोगो तो लगा हुआ है, बैकग्राउंड वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है, जो भी अगर एडजस्ट नहीं हुआ है तो उसके लिए आप यहाँ पे इस तरीके से इसको जूम वगैरह करके बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप जमा सकते हो और उसके बाद जब ये जम जाए उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से आप जमा सकते हो इसको और यहाँ पर सेव कर दो। जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे आपका जो है YouTube चैनल बैनर सेव हो जाएगा, जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जाके, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है अपने YouTube चैनल पे बैनर बना सकते हो YouTube चैनल का, और या फिर चैनल आर्ट बना सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।